सबसे आगे गुरुदेव की वाहन है, सबसे आगे। और ये भक्ति का सूत्र सिद्धांत ये अमर है, हर काल के लिए सार्वकालिक है। हमेशा पूजा पाठ कोई भी साधना अनुष्ठान ये गुरु की शरण में ही करना चाहिए। आगे गुरु रहे, आगे गुरु रहे। अब तो हम गुरु जी को पीछे हटा दे, गुरु जी आपको कुछ मालूम नहीं है, आप एक तरफ हो जाओ। तो साधना में अगर गुरु आगे है, गुरु का मार्गदर्शन है, तो ठोकरें नहीं लगेंगी, कांटे नहीं चुभेंगे। शास्त्रों में शास्त्र पढ़ के, पुस्तक पढ़ के, या टीवी देखकर, या किसी का सुनकर हम लोग अनुष्ठान करने लग जाते हैं, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए कहीं बैठ जाते हैं, कोई मरघट में चला जाता है, कोई पीपड़ के नीचे बैठ जाता है, और पीपल का पेड़ ऐसा होता है, नेक हवा चलती है, पत्ते खड़र खड़र करते, लगता है भूत आ गया तो पागल हो गई आता है वहाँ से। पीपल पात सरिस मन डोला। तो पुस्तकों में लिखी है विधियाँ, लेकिन हर विधि हरेक को सूट नहीं करती, हरेक भोजन हरेक को सूट नहीं करता है, हरेक चीज़ हरेक को सूट नहीं करती है। तो वो गुरु बताते हैं कि तुम ऐसा करो ऐसा करो। कठिनाई आती है तो कहाँ, पुस्तक नहीं बोलेगी, पुस्तक नहीं बता पाएगी, जीवित गुरु ही। इसलिए गुरु के सानिध्य में ही साधना, गुरु के सानिध्य में ही भक्ति, गुरु के सानिध्य में ही भजन, गुरु के सानिध्य में ही आध्यात्म की यात्रा। मनमाना करोगे तो मुश्किल हो जाए, मुश्किल हो जाए। तो स्वयं भरत जी जैसे भी गुरुदेव के मार्गदर्शन में चल रहे,